हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। मैं जानता हूँ आप सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जैसे एनालिसिस का वेट कर रहे हो। वो एनालिसिस करने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। जो एसएससी और रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? जिससे कि आपको आइडिया लगे जब मैं एनालिसिस करूँ तो आप अच्छे से उसे समझ पाओ, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने एनालिसिस ठीक कर दिया, आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझे नहीं और आपने इंटरप्रिटेशन गलत ले ली मेरी बातों की, राइट? तो एक बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अच्छे से आपको समझ आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले जो नॉर्मलाइजेशन के एनालिसिस मैंने किए हुए थे उसी का एग्जांपल लेके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, ठीक है? जो लोग नए हैं, जो चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जिन्हें एक्चुअली में कभी देखा नहीं उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और वो कन्फ्यूज नहीं होंगे जब उनका फाइनल स्कोर आएगा कि ये क्या हो गया नॉर्मलाइजेशन में। काफ़ी लोगों के अभी तक डाउट रहता है कि एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं करती, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको टाइम बता देता हूँ जो मेरे एनालिसिस है सीएचएसएल और एनटीपीसी का, वो कब तक आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का डिटेल एनालिसिस आ जाएगा 1 PM पे, और आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस फॉर इजी शिफ्ट एंड हार्ड शिफ्ट आ जाएगा 5 PM पे, और जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस आएगा आरआरबी एनटीपीसी का वो तो या तो 8 PM पे आ जाएगा अगर कंप्लीट हो गया तब तक, वरना कल सुबह 10 बजे तक आ जाएगा, ठीक है? तो ये अपकमिंग वीडियोज हमारी रहने वाली हैं और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया होगा। मैंने कहा था आज दूंगा एनालिसिस, तो आज ही देना पड़ा रक्षाबंधन के मौके पे भी। आरआरबी एनटीपीसी का जो मैंने फॉर्म शेयर किया था उसमें 16,000 से ज़्यादा एंट्री जा चुकी हैं, एसएससी सीएचएसएल में 10,000 एंट्री जाई हैं। आराम से इस डेटा पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो एसएससी और आरआरबी यूज करते हैं टू गिव दी नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक बार इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये MIJ, ये आपका होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका मार्क्स आएगा ये वो होगा। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहला है मेरे पास फैक्टर MIJ, ठीक है? ये तो वही हो गया आपके मार्क्स नॉर्मलाइज्ड। फिर हो गया MTG, ये वाला, ये है एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 1% कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल दी शिफ्ट। सभी शिफ्ट का मिला के जो टॉप 1% एस्पिरेंट है उनका एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है? तो आपके मार्क्स सिर्फ आपके मार्क्स पे नहीं, सभी शिफ्ट से कंबाइंड करके टॉप 1% के मार्क्स पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे। दूसरा पार्ट है, इट इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल द शिफ्ट। सभी शिफ्ट के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सम को भी यहाँ पे यूज किया जाता है आपके मार्क्स निकालने के लिए। तीसरा पार्ट है MTI, ये है एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 1% कैंडिडेट्स ऑफ द IH शिफ्ट। जिस शिफ्ट में आप अपियर हुए आपकी शिफ्ट के टॉप 1% स्कोरर्स के मार्क्स इंक्लूड होते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालने के लिए, ठीक है? तो टॉपर्स के मार्क्स पे आपका स्कोर डिपेंड करता है, ओवरऑल टॉपर्स के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, और खाली शिफ्ट आपकी शिफ्ट पे नहीं, आपकी शिफ्ट के साथ साथ सभी शिफ्ट के एवरेज और सम और मीन डेविएशन पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ MIQ दे रखा है मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई एस शिफ्ट, आपकी शिफ्ट का मीन मार्क्स कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। साथ ही साथ जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, जो आपका रो स्कोर होगा MIJ, इस पे डिपेंड करेगा ये वाले फैक्टर पे। और आखिरी फैक्टर है सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन मार्क्स, ठीक है? मैक्सिमम एवरेज मार्क्स, मीन क्या होता है एवरेज, मैक्सिमम एवरेज मार्क्स की शिफ्ट में होंगे जो इजीएस्ट शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इजीएस्ट शिफ्ट में जो सम है मीन मार्क्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करा, ऑल शिफ्ट, ठीक है? हर शिफ्ट के आपके टॉप 1% स्कोरर के मार्क्स और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के सम के। फिर आपके पास आपकी शिफ्ट के, योर शिफ्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टॉप 1% स्कोरर के मार्क्स पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। आपका जो रो स्कोर है उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, और ईजीएस शिफ्ट पे आपका स्कोर डिपेंड करेगा उसके ईजीएस शिफ्ट में मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम क्या है, ठीक है? आप देख सकते हो, तो ये चार फैक्टर्स हैं जो आपका फाइनली स्कोर बताएंगे, ठीक है? जिन्हें यूज करके आपका स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है? अभी भी मैं कल परसों कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि सर एक्यूरेसी का कितना रोल रहेगा नॉर्मलाइजेशन में, एक्यूरेसी हैज नो रोल टू प्ले अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? एसएससी में भी पहले भी देखा गया, काफी टीचर्स ने गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एक्यूरेसी का रोल है, और रेलवे में भी शायद कुछ टीचर्स ने कहा होगा तभी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। तो गलती से देखो, हो सकता है कुछ एग्जाम में एक्यूरेसी का रोल होता हो, उन्हें गलती से ध्यान रह गया हो और कह दिया हो कि एक्यूरेसी का रोल होता है, लेकिन एसएससी और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रेजेंट फॉर्मूला है इसके अंदर नॉर्मल क्या कहते हैं एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है? इन चार फैक्टर्स पे आपका क्या करेगा नॉर्मलाइज स्कोर डिपेंड करेगा।
क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्या है ये समझ आ गया। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इजी शिफ्ट में क्या होता है, मॉडरेट शिफ्ट में और हार्ड शिफ्ट में क्या होता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जांपल लूंगा मैं, 2019 एग्जामिनेशन का, जिसका नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस मैंने किया था। ये 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें देखते हैं कैसे चलेगा। देखो अगर मैं जो डेटा देखता हूँ यहाँ पे, एवरेज जो रो स्कोर था लोगों का लगभग इतना था, ठीक है, एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर इतना था अलग अलग शिफ्ट का। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है, मतलब कंप्यूट करके निकाला गया है। ठीक है, लोगों ने एंट्री करी, फिर उनके मैच किया गया स्कोर कार्ड से, तब जाके ये आया। आप देखोगे एवरेज शिफ्ट में ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में जो हमारे सर्वे में एवरेज लोगों ने स्कोर किया था। ठीक है, ये एवरेज हमारे सर्वे में ऑलरेडी टॉप 15% का लगभग मान के चलो होता है, 10-15% का। ठीक है, उससे भी कम। तो उसमें जो एवरेज में लोग स्कोर कर रहे थे वो 4.95 से सबका इंक्रीज कर रहा था, जिसका इससे ज्यादा नंबर थे। ऐसे ही आप हार्डेस्ट शिफ्ट की तरफ मूव करते चले जाओगे, तो जब से शो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट गई थी एसएससी के हिसाब से, वो थी 138 मार्क्स रोज आ रहा था, जिसमें ये हमारे सर्वे में था, और 138 के 166.5 बन रहे थे, और जो एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा था वो 28 मार्क्स तक इंक्रीज हो रहा था। तो आप कह सकते हो पिछले साल 2019 सीएचएसएल में 4 से लेकर 28 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन से लोगों के बढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों के जो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे थे 30 मार्क्स तक भी बढ़ रहे थे। ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। क्या ये चीज समझ आई कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इजी शिफ्ट में आपके कम मार्क्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे एवरेज स्कोर आपका देखोगे कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे शिफ्ट का लेवल बढ़ता जाएगा हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ता चला जाएगा। अब ये हमारा डेटा ये एवरेज वाला, तो और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, उस शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन एसएससी का, क्योंकि हमारे पास सैंपल पूल लिमिटेड होता है, एसएससी का बहुत बड़ा सैंपल पूल होता है, और उसमें ये चीज भी डिपेंड करती है कि आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्जाम दिया। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एनआर या सीआर रीजन से पेपर भरते हो एसएससी का, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपीयर होते हैं, और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सबसे ज्यादा हैं, तैयारी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कराई जाती है, तो इस रीजन से लोग मैक्सिमम स्कोर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर मान लो एक पर्टिकुलर डे है जिस दिन एनआर और सीआर रीजन के ज्यादातर लोगों का एग्जाम है, तो उस दिन क्या होगा, लोग एवरेज में ज्यादा स्कोर करेंगे, तो उनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। मान लो किसी दिन सिर्फ ईस्टर्न रीजन के लोगों का एग्जाम पड़ गया, एनआरसीआर का खत्म हो गया, ईस्टर्न रीजन का एग्जाम है सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों का। अब ईस्टर्न रीजन में लोग ज्यादा तैयारी नहीं करते, तो उस शिफ्ट का जो नॉर्मलाइज जो एवरेज स्कोर है वो हो जाता है कम। चाहे शिफ्ट मेरी इजी हो, इजी शिफ्ट में भी क्या होगा, एवरेज स्कोर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में उन्हें ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज कई बार मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लास्ट की 2-3 शिफ्ट आपको दिख रही है 21 अक्टूबर की, ये इतनी डिफिकल्ट शिफ्ट नहीं थी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ ये एवरेज शिफ्ट थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया। बाकी शिफ्ट में सारी चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही है। 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये उसका एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इतना नहीं मिल पाया था पिछली बार, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट थी, बट फिर भी क्या हुआ, ज्यादा लोग अपीयर हुए होंगे नॉर्दर्न रीजन से, तो जिसकी वजह से चीजें बदल गई होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये चीज हम समझ के चल रहे हैं कि लगभग ईजीएस शिफ्ट में भी अगर आप एवरेज से ज्यादा स्कोर करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, अगर एवरेज से कम स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, दैट इज नॉट एक्चुअली एवरेज, दैट इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अपनी शिफ्ट के अगर आप ईजीएस शिफ्ट में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो ईजीएस शिफ्ट का है उससे अगर आप ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और उससे कम स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स घटेंगे। ठीक है, लगभग एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, लगभग ये चीज समझ के चलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। अगर आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, तो इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन कि आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपके मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, एक कट ऑफ पॉइंट होता है, इससे कम करोगे तो मार्क्स घटेंगे, इससे ज्यादा करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का एग्जाम्पल है पिछले साल का। आप देखोगे यहाँ पे अगर आप 69 स्कोर कर रहे हो तो मार्क्स घट के 55 हो रहे हैं, और ऐसे ही अगर मैं चलता हूँ एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है लगभग 120 से 126 नंबर के बीच में, जब आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं आएगा, 126 मार्क्स आप स्कोर करोगे तो मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, 126 आया तो 127 बन गया। ऐसे ही आप 150 स्कोर करोगे तो आपके 157 हो गए, 7 नंबर बढ़ गए। ऐसे ही आप 162 स्कोर करोगे तो 10 नंबर बढ़ गए, और 180 स्कोर करोगे ईजीएस शिफ्ट में तो भी आपके क्या नंबर बढ़ जाएंगे, 15 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 का डेटा है। तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, ये पॉइंट जनरली बिलो एवरेज होता है, थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा कम। ठीक है, या फिर सभी शिफ्ट को कंबाइन कर दूं तो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम मान के चल लो, थोड़ा लगभग इतना होता है। अगर आप इसे कोर्स कर लो, ठीक है, हमारे डेटा में एवरेज से नीचे जाता है ये, ओवरऑल सभी शिफ्ट्स को अगर एसएससी का डेटा देखा जाए तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ये पॉइंट, राइट। तो इससे अगर आप ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इससे कम स्कोर करोगे तो मार्क्स घटेंगे, और जितना ज्यादा आप ज्यादा स्कोर करते जाओगे उतने ज्यादा ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो इट डिपेंड्स, परसेंटेज वाइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है आपका, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि 4 नंबर बढ़ेंगे या 5 नंबर बढ़ेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 125 स्कोर कर रहे थे तो आपका इंक्रीज हो रहा था सिर्फ 1 नंबर का, और यहाँ पे 160 कर रहे हो तो आपके 10 नंबर तक इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और इससे कम स्कोर कर रहे हो तो डिक्रीज भी हो रहे हैं। ये हुआ हमारा इजी टू मॉडरेट शिफ्ट का एग्जांपल।
ठीक है, ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में ऐसे चलेगा, ऐसे एक और ईजी शिफ्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो 106 नंबर आ रहे हैं तो स्कोर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे 190 स्कोर कर रहे हो तो 9 नंबर तक आपके इंक्रीज भी हो रहे हैं, और इसमें जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो हमारा लगभग कहाँ पे है, वो हमारा पॉइंट लगभग 130 नंबर के आसपास है, ठीक है, 130 नंबर से कम करोगे तो मार्क्स डिक्रीज है, 130 से ज्यादा स्कोर करोगे तो मार्क्स इंक्रीज करोगे, ये ईजीएस शिफ्ट का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में, मॉडरेट या फिर ईजीएस्ट, देखो ईजीएस्ट एक शिफ्ट तो हो गई ना, चार पांच ईजीएस शिफ्ट मान लो उन्हें छोड़ दिया, उसके बाद बाकी की मेरी मॉडरेट शिफ्ट आ जाएंगी और लास्ट के चार पांच हार्ड शिफ्ट आ जाएंगे। तो जो मॉडरेट शिफ्ट में होता है, मॉडरेट शिफ्ट में जनरली होता क्या देखा गया है कि जो आपका ये ग्राफ है ये ऐसा ही होता है, नॉर्मल चलता रहेगा, जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे इसमें भी ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, लेकिन चेंज बहुत ज्यादा नहीं आता। जैसे हमने देखा वहां पे 0 से 10 नंबर तक इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज भी होते हैं, यहाँ पे क्या है 100 नंबर ला रहे हो तो 13 नंबर बढ़ रहे हैं, 185 नंबर ला रहे हो तो सिर्फ 16 नंबर बढ़ रहे हैं। समझ आया? जैसे आप मॉडरेट शिफ्ट की तरफ मूव करोगे तो मार्क्स का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत गैप आएगा। तो आप कहोगे 1% 135 नंबर लेके आ रहा है उसके आपके यहाँ पे 15 नंबर बढ़ रहे हैं, 155 लेके आ रहा है उसके सिर्फ 16 नंबर बढ़ रहे हैं। तो मॉडरेट शिफ्ट में लगभग चीजें ऐसे चलती हैं, तो लगभग एक फ्लैट सा आप थोड़ा सा कह सकते हो कि ग्राफ हमारा चलेगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हार्ड शिफ्ट की, अब हार्ड शिफ्ट में क्या होता है, या तो फ्लैट कर्व होता है हमारा कि जितना आप कितना भी स्कोर कर लो आपका जो स्कोर है वो लगभग उतना ही इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंट है 57 नंबर स्कोर कर रहा है। मॉडरेट शिफ्ट में भी क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट तो होता है कि जिसके नीचे मार्क्स डिक्रीज करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत नीचे होता है 50 नंबर पे 60 नंबर पे, इससे कम स्कोर करोगे तो मार्क्स घटेंगे, इससे ज्यादा कर रहे हो तो इंक्रीज करेंगे, ये मॉडरेट शिफ्ट का है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हार्ड शिफ्ट की, हार्ड शिफ्ट में क्या होगा कि आप कितना भी, अगर आप 0 भी स्कोर करते हो तो भी आपके 30-40 नंबर आ जाते हैं, हो सकता है 50 नंबर भी आ जाए 0 स्कोर करने पे। इस केस में क्या हो जाता है हार्ड शिफ्ट में, एक ग्राफ हमारा लगभग फ्लैट रहता है, या फिर आप कम स्कोर करते हो तो ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कोई पर्सन 57 स्कोर कर रहा है उसके बन गए 90, तो उसके मार्क्स कितने इंक्रीज हो गए, ये हो गए 33 मार्क्स इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है इसमें, 33 की जगह 34 कुछ होगा, 34 या 35 होगा, यहाँ पे हल्का सा एरर है, इस वाले पॉइंट को छोड़ दें। अगर हम यहाँ पे आप देखोगे जैसे 59 है किसी का तो उसके 34 इंक्रीज हो गए, 59 से 103 हुए तो 31 इंक्रीज हुए खाली, 130 हो गए तो सिर्फ 28 इंक्रीज हुए, और जैसे जैसे वो 173 तक पहुंचा तो उसके सिर्फ 24 मार्क्स इंक्रीज हुए। तो हार्डेस्ट शिफ्ट में ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि अगर आप कम स्कोर करते हो तो इंक्रीज ज्यादा होता है मार्क्स के अंदर, और ज्यादा स्कोर करते हो तो इंक्रीज कम होता है, लेकिन इंक्रीज तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज तो अब भी हो ही रहा है, 173 से 198 बन गए, 24 नंबर का इंक्रीज है, लेकिन जो पहले कम नंबर पे 34 नंबर बढ़ रहे थे 59 के 93 उठते, वो कम नहीं होगा। जो हार्डेस्ट शिफ्ट होती है उनमें जनरली ये ग्राफ देखा गया है, ठीक है। जो मेन ग्राफ होता है हमारा मॉडरेट या इजी शिफ्ट वाला यही होता है, ये चीजें चेंज होती रहती है फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने के बाद, ये सब फॉर्मूला कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा है इसमें, फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने के बाद ये चीजें होती हैं, ठीक है। सीजीएल 2019 TL2 का तो हमने फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट करके देखा था, और हमने देखा था लगभग वैसे ही रिजल्ट हमारे फाइनल भी में भी देखे गए थे, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि मार्क्स के बाद डिक्रीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, वैसे डिक्रीज भी हमने देखा मार्क्स के अंदर, इंक्रीज जैसे हो रहे थे वो भी देखा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास अच्छा खासा डेटा हो आप नॉर्मलाइजेशन को फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो। अगर आप मुझे यहाँ पे 50,000 लोग CHSL का डेटा दे देते मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देता, ठीक है, उस तरफ आइडिया लग जाता पूरा फॉर्मूले से, लेकिन अभी भी मैं आपको काफी हद तक चीजें एवरेज स्कोर के बेसिस पर बता दूंगा, ठीक। उसके बाद ये हार्ड शिफ्ट है, आप देखोगे यहाँ पे फिर से यहाँ पे 30 स्कोर कर रहे थे जो कम, 90 नंबर पे 30 बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 165 नंबर पे सिर्फ 87 बढ़ रहे हैं, और स्कोर 27 बढ़ रहे हैं, इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये सारा का सारा डेटा जो मैंने दिखाया है CHSL 2019 का है, और अब मैं बात करता हूँ टॉप 10 स्कोरर्स की जो CHSL 2019 में हमारे सर्वे में रहे थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, टीयर 1 की कट ऑफ के बाद एनालिसिस किया था, ये उसका डेटा है। और आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे, कुछ लोग हैं जो 200 से ज्यादा नॉर्मलाइज स्कोर लेके जा रहे हैं, अब ये इस नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूले की वजह से ही है। सीजल 2019 में लोग 240 245 भी लेके गए हैं 200 में से मैथ सेक्शन के अंदर, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सीजल 2019 के टॉपर की अगर मैं बात करूँ, जल्दी आप इंटरव्यू भी देखोगे, उनके 724 नंबर है 700 में से, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। तो इतना इंक्रीज भी हो जाता है अगर पेपर बैलेंस्ड ना बनाया जाए, ठीक है। CHSL 2019 का जो मैं एनालिसिस करके देख पा रहा हूँ, रेयर ही ऐसा होगा कि किसी के 200 से ऊपर जाएंगे, मैक्सिमम लोग 200 से नीचे रहने वाले हैं इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था तो लोग 180 190 ऐसे स्कोर नहीं कर रहे एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो एनालिसिस आपको 11-1 बजे मिल ही जाएगा, और बाकी 200 प्लस स्कोरर्स के, जैसे किसी को भरोसा ना हो पहली बार देख रहा है मेरी वीडियो, तो आप देखो 200 में से 205 नंबर हैं स्प्रिंट के, यहाँ पे 102 नंबर है, रो स्कोर था 185, नॉर्मलाइज स्कोर 202 हो गया, ठीक है, रो स्कोर था 185, 201 हो गया, ठीक है। 200 से ज्यादा नंबर भी लोग लेके आए हैं 200 में से। ऐसे ही NTPC में भी अगर किसी का हार्ड शिफ्ट में पेपर पड़ा है और उसने 100 में से 90 तक भी स्कोर कर दिया ना हार्ड शिफ्ट के अंदर,
तो मे भी नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर 200 कुछ 100 में से 100 से ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। बट सीबीटी वन के मार्क्स तो काउंट होते नहीं एनटीपीसी में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ ही क्लियर करनी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सीबीटी टू में मदद मिल जाएगी इस चीज़ की, राइट।